हम हैं नन्हे दानिशमन, नहीं किसी से कम। जल को साफ बनाया था, ताजी हवा से सजाया था। चलो फिजाएं साफ बनाएं, खोए परिंदे वापस बुलाएं। क्यों दुनिया वैसी ही नहीं जैसा कुदरत ने बनाया था। इल्म देना रोशनी नदियाँ ही तो हमें पैदावारी मिट्टी मुहैया कराती हैं। तो तुम ये कहना चाहते हो कि नदी के जो जो फायदे गिनाए गए हैं वो सब बेकार हैं? उसका शहर से गांव आने का मकसद गांव के सदर का इलेक्शन लड़ना है। ये पानी इतना गहरा क्यों है और ये पानी यहाँ पे क्यों रोका गया है और इस पानी का होगा क्या? हाँ जनाब, ये यहाँ शरारत कर रहे हैं। अभी से मौसम को तरबियत दे रहा है। अब दोबारा अकेले मत आना, ठीक है? किसने कहा था जाने के लिए? आज इनका खाना पीना बंद, आज के बाद बिना इजाजत के कहीं नहीं आएंगे। गांव वालों, नहर के चौकीदार और गांव के जो शरारती लड़के हैं उनमें जो गड़बड़ हुआ है उसको मैंने बड़ी हिकमत से दबाया है। अगर गांव का चौकीदार नहर के अफसरान से शिकायत कर देता और रिपोर्ट बनाकर भेज देता तो गांव वालों पर क्या बीतती? मामला बढ़ जाता, कोर्ट कचहरी होता, माँ बाप को कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ते। मैं मानता हूँ कि बच्चे शरारत करते हैं, शोखी करते हैं, हम बड़ों का क्या काम होता है? उनको समझाना, तरबियत देना, ना कि उकसाना। मगर मैं बड़े अफसोस के साथ कह रहा हूँ कि गांव में कुछ लोग ऐसे हैं जो उन्हें उकसाने का काम कर रहे हैं। माँ बाप का फर्ज होता है बच्चों को समझाएं, बच्चों को तरबियत दें। लो, सरफराज भाई भी आ गए। सरफराज भाई, बच्चों को इतनी आज़ादी मत दो के बाद में कोर्ट कचहरी का चक्कर पड़ जाए। मैं कुछ समझा नहीं जमींदार साहब। बच्चों को संभालो, बच्चे जो नहर पर खुराफात करके आए हैं पता तो होगा ना आपको? हाँ, वो नहर पे गए तो थे मगर वहाँ सरकारी आदमियों से झगड़ा किया है और चौकीदार को बुरा भला कहा है। अगर रिपोर्ट हो जाती तो लेने के देने पड़ जाते, गाँव की बदनामी हो जाती। और हाँ, तुम्हारे बच्चों के साथ वो रहीम का मुंह बोला साहबजादा वो भी था। जमींदार साहब, मैं आपकी बात मानता हूँ कि वो अशरफ और अफजल के साथ था लेकिन वो उसका साथ छुड़वाओ। मोहसिन को तो रहीम ने बिगाड़ दिया है। अगर मोहसिन के साथ कुछ होगा वो तो रहीम संभाल लेगा, तुम्हारे बेटों का क्या होगा? सरफराज भाई, जमींदार साहब ठीक कह रहे हैं। ऊंच नीच हो जाती तो गाँव में पुलिस आ जाती, मामला उलझ जाता और हमें सुलझाना पड़ता। सरफराज साहब, कम से कम बिरादरी की, गांव वालों की तो फिक्र करो। शहर वाले गांव में आकर अपने मुताबिक चलते हैं, गांव का माहौल बर्बाद करते हैं, बच्चों को गलत तरबियत देते हैं। जमींदार साहब, सोच समझ कर बात कीजिए, इतनी सी बात को इतना बड़ा तूल मत दीजिए। क्या इतनी सी बात? और नहीं तो क्या? क्या तुम्हारे बच्चों ने नहर पर हुड़दंग नहीं मचाया, चौकीदार से बदसलूकी नहीं की? बिल्कुल नहीं। मगर चौकीदार ने तो हमें फोन पर बताया। सिर्फ इतना बताया है कि बच्चे नहर पर घूम रहे हैं, यही कहा था ना? बिना बताए नहर पर गए थे ना? गए थे, जरूर गए थे, मगर ये कोई इतना बड़ा मुद्दा नहीं है जो आप बड़ा चढ़ा कर गाँव की इज्जत के साथ जोड़ने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। ये बच्चों की जरा ज्यादा तरफदारी कर रहे हैं आप, और आप भी बच्चों को बदनाम करने पर तुले हुए हैं। आपको मेरी बात काटने की आदत हो गई है। आप भी हर बात नमक मिर्च लगाकर पेश करते हैं। बच्चों ने कोई ऐसा गुनाह नहीं किया, कोई कानून नहीं तोड़ा जिससे गांव की बदनामगी हो। भाइयों, आपको गुमराह किया जा रहा है। ये सरफराज इतना सीधा सच्चा, इस पर दबाव डाला जा रहा है जबकि
बच्चे नहर पर खेलने गए थे। चौकीदार ने एहतियात के तौर पर बच्चों को रोका और जमींदार साहब को फोन पर इत्तला दी, और जिस इत्तला को आपके सामने संगीन जुर्म की तरह पेश किया जा रहा है, मैं जमींदार साहब से गुजारिश करूंगा कि वो जरा सी बात को इतना तूल देकर अपना और गांव वालों का वक्त बर्बाद ना करें। वहीद मियां, तुमने ही मारा है मेरी भैंस को। 15 लीटर दूध देती थी, 50,000 का नुकसान हुआ है। मैंने नहीं मारा भाई, मैं क्यों मारूंगा तेरी भैंस को। अबे सुबह सुबह तू ही तो गया था आटे की लोई खिलाने। अरे देखो वहीद भाई, तेज में बिल्कुल बताओ, मैं ही नहीं लोई खिलाया करता था, अरे पूरा मोहल्ला खिलाता था। अरे और मैं तो हफ्ते के हफ्ते खिलाया करता था, आज तक कभी कुछ हुआ क्या? अबे तो फिर कैसे मर गई मेरी भैंस? अबे मुझे क्या मालूम। देखो तुम्हें ज्यादा शक हो रहा है ना, तो ऐसा करते हैं उसकी चीर फाड़ करवा लेते हैं, हकीकत सामने आ जाएगी, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अबे चीर फाड़ तो मैं तेरी करूंगा। इसने ही मारा। मैंने नहीं मारा यार, मैं कर रहा हूं, मैं तेरी भैंस को मैंने नहीं मारा ना। मैंने अरे लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं रखा, चंद घंटे में चीर फाड़ की रिपोर्ट आ जाएगी, पता चल जाएगा भैंस कैसे मरी है। क्यों कराऊंगा मैं चीर फाड़? अरे अरे वहीद भाई, अब्दुल भाई, किस बात पर झगड़ रहे हैं आप लोग? रहीम भाई, इसने मेरी भैंस मार दी, सुबह सुबह आटे की लोई खिलाई, पता नहीं क्या खिलाया, वो मर गई। मैंने नहीं मारी भाई, मैंने नहीं, मैं तो वो लोई खिलाने गया था बस। बात तो कायदे की है तुम्हारी, लेकिन वहीद भाई, चीर फाड़ से सब पता चल जाएगा, सब मालूम हो जाएगा, हैं? रोने की जरूरत नहीं है। लेकिन तुम्हारी भैंस मर गई, इसका मुझे बहुत अफसोस है। रहीम भाई, मैं चीर फाड़ जरूर कराऊंगा, लेकिन इसे देख लूंगा मैं फिर। अरे तू देख लिया, जा जा जा। वहीद मियां, अब्दुल मियां, देखो लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं रखता, चीर फाड़ की रिपोर्ट चंद घंटे में आ जाएगी, पता चल जाएगा कि भैंस मरी कैसे है। समझ रहे हो ना भाई? सब्र करो, है? कुछ नहीं होगा, सब्र करो, सब ठीक हो जाएगा, ठीक है? लड़ो मत, खुश जाओ, चलो चलो भाई, अपने अपने काम। क्या बात, लड़ना मत अब। तो बच्चों, आज का सबक है ग्रीन हाउस इफेक्ट और पॉली हाउस इफेक्ट, समझे? जी हाँ। मैडम, ये गर्मी ज्यादा क्यों होती है? देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। बच्चों आप भी गौर से सुनिएगा। देखिए, हमारे माहौल में यानी हमारी हवा में कई तरह की गैसें होती हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस और मिथेन गैस और पानी यानी कि भाप, पानी के बारीक कतरों वाली हवा, ठीक है? और आप जानते हैं कि ये सभी गैसें सूरज की गर्मी को अपने में जज्ब कर लेती हैं, जिससे हमारे माहौल में ज़्यादा गर्मी हो जाती है। अच्छा बच्चों, बताइए कि अगर ये सभी गैसें हमारे माहौल में ना हो तो सूरज की किरणें ज़मीन से टकरा कर वापस आसमान में चली जाएंगी और हमारी फिजा और हमारा माहौल हमेशा ठंडा बना रहेगा। और जानते हैं बच्चों, इसी को ग्रीन हाउस इफेक्ट कहा जाता है, समझे? मैडम, इससे क्या होता है? बैठिए, देखिए बच्चों, इससे पेड़ पौधे, फल फूल और दूसरी फसलें उगाने में मदद मिलती है। आप जानते हैं कि ग्रीन हाउस कैसे सूरज की गर्मी को अपने में जज्ब कर लेती है, और जितनी गर्मी की हमारे माहौल को जरूरत होती है ना, सिर्फ उतनी गर्मी ही बरकरार रखती है, जिससे कि पेड़ पौधों की, फल फूल और सब्जियों की पैदावार होती है। मैडम, फिर तो
सर्दी वाले मुल्कों में फल फूल और फसलें कैसे उगाई जाती हैं? बैठिए, बहुत अच्छा सवाल है बच्चों, और आपको पता है कि मैं भी अभी आपको यही बताने वाली थी। आप जानते हैं कि ठंडे मुल्कों में अब ग्रीन हाउस तकनीक से ही फसलों की पैदावार की जाती है। मैडम, फिर ग्रीन हाउस पॉली हाउस बनाने का क्या तरीका है? बैठिए, देखिए बच्चों, आमतौर पर ग्रीन हाउस शीशे से बनाए जाते हैं और इसी तरह से पॉली हाउस भी बनाए जाते हैं, लेकिन अब बहुत से मुल्कों में ये प्लास्टिक या फाइबर से भी तैयार किए जाने लगे हैं। और आप जानते हैं कि इन्हीं तरीकों से पूरी दुनिया में बड़े पैमाने पर खेती की जाती है। समझे बच्चों? तो बच्चों, ये था आज का सबक, ठीक है? बाकी का सबक हम लोग कल पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों? हमें पॉलीथीन को इकट्ठा करके उसका निपटारा करना होगा। इससे हमें बहुत नुकसान है, ये हमारी फसलों को भी बर्बाद करती है। हम पॉलीथीन लाते हैं और यूं ही लापरवाही में कूड़े में फेंक देते, यहीं से गड़बड़ शुरू हो जाती है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं भाई। भाइयों, बेहतर तो यही होगा कि हम पॉलीथीन का इस्तेमाल ना ही करें, और यही वजह है सरकार ने पॉलीथीन पर पाबंदी लगा रखी है। अच्छा, तो ये हमारे पॉलीथीन को देखकर हम पे छींटा कशी हो रही है? नहीं नहीं जमींदार साहब, ऐसी तो कोई बात नहीं है। मियां, हमें सब पता है कि तीर कहीं पर और निशाना कहीं पर। आप तो खामखा नाराज हो रहे हैं जमींदार साहब, पॉलीथीन का जिक्र तो हम सुबह से ही करते आ रहे हैं। रहीम भाई, देखा आपने, मौत की वजह तो कुछ और ही निकली। आखिर नतीजा क्या निकला? वहीद की भैंस के पेट में से ढेर सारी पॉलीथीन निकली और भैंस की मौत पॉलीथीन की वजह से हुई। ओह, मैंने पहले ही कहा था पॉलीथीन किसी भी जानवर को हजम नहीं होती। बिल्कुल ठीक रहीम भाई, मुलायम दिखाई देने वाली पॉलीथीन कहीं ज्यादा खतरनाक होती है। देखा आपने, सुबह वहीद किस तरह से मुझ पर इल्जाम लगा रहा था। चलो, भाई मैं तो बहुत खुश हूँ, कम से कम भैंस की मौत के इल्जाम से तो बरी हुआ। अशरफ, बहुत गर्मी है, चलो ना नहर पर नहाने चलते हैं। बात तो तेरी ठीक है। हाँ बता रहा हूँ, अगर स्कूल वालों को पता चल गया तो? किसी को मालूम नहीं होता, सिर्फ 2 घंटे में वापस आ जाएंगे। ठीक है, मान लिया कि मैं तेरे साथ चलता हूँ, मेरी एक शर्त है। कुछ? वो क्या? यही कि अगर मैं पकड़ा गया तो तेरा ही नाम लूंगा, मंजूर? इतना तो भरोसा रख भाई, किसी को पता नहीं लगेगा। चलो मोहसिन को भी साथ में ले लेंगे। तो नेक काम में देरी कैसी, चलते हैं। चलो, आ रहा हूँ मैं, और बम मैं ही लूंगा बोल। अच्छा यार, चलो। मोहसिन! अरे मोहसिन! अरे मोहसिन कहाँ है यार, कहाँ गया है मोहसिन? मैं तुझसे कह रहा हूँ, आज वो ना मैं पागल करके छोड़ेगा, और 2 घंटे तो यहीं बीत जाएंगे। मोहसिन! 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 वो देख, उसे ये भी नहीं दिखता हम इतनी देर से चिल्ला रहे हैं। आराम से कैसे खड़ा है ऊपर मोहसिन, ये तो पागल ही हो जाता है। अरे मोहसिन, कितनी देर से ढूंढ रहा है तुझे। तूने थका के रख दिया है। क्यों, क्या हो गया? अब ये बता, तू हमारे साथ नहर पे चल रहा है ना? नहर पे? अरे वाह, तुम लोगों ने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। तो जल्दी चलना। लेकिन किसी को पता चल गया तो? अरे
किसी को पता नहीं चलेगा, हम दोनों भी तो जा रहे हैं ना। अब तो सोच मत, जल्दी चल वरना हमारे 2 घंटे यहीं वेस्ट हो जाएंगे। मैं भी तो चल रहा हूँ ना। चलो ठीक है चलते। अरे वाह, क्या बात है, क्या नजारा है, मजा आ गया यार। चलो अब कपड़े उतारो, गोता मारो, अब देर किस बात की। चलो दोस्तों। नहीं नहीं मैं नहीं जा रहा, मुझे तो डर लग रहा है। और अपने स्कूल का कोई आ गया तो? नहीं नहीं देख कितना गहरा पानी है, मैं नहीं जा रहा। देखिए बच्चे, इजाजत के स्कूल से फरार हो जाते हैं, जानते भी हैं इसकी सजा क्या होती है। चलिए अभी के अभी बाहर निकलिए। और एक लड़का और था ना आपके साथ, वो कहाँ है? और आप लोग बाहर आइए, चलिए जल्दी बाहर आइए। चलिए अपने अपने कपड़े पहनिए आप लोग। बच्चों एक बात बताइए, आप लोग यहाँ किससे पूछ कर आए हैं? उस टीचर का नाम बताइए जरा मुझे। और हाँ, उससे पहले तो ये बताइए कि आप लोगों ने आज एक भी क्लास की है या नहीं। मैडम मैडम ऐसा कुछ नहीं है, हम दोनों तो क्लास में ही बैठे थे। हाँ मैडम। अच्छी बात है, तो जरा आप मुझे ये बताएंगे कि अगर आपने क्लास की है तो उस क्लास में आपने क्या पढ़ा है। मैडम आपने हमें ग्रीन हाउस और पॉली हाउस के बारे में बताया था। हाँ। अच्छा बच्चों, तो आपने ग्रीन हाउस पढ़ा है, तो आप जरा मुझे बताएंगे कि ये ग्रीन हाउस होता क्या है। मैडम ग्रीन हाउस हमारा माहौल है जिससे हमें गर्मी मिलती है। शाबाश, तो फिर क्या बच्चों आपको ये मालूम नहीं हुआ कि अभी जो ये इतनी गर्मी है ये ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से ही है। मैडम आपने ये तो बताया था। हाँ। कि हमें जो गर्मी मिल रही है वो ग्रीन हाउस इफेक्ट से मिल रही है। अगर हम आर्टिफिशियल ग्रीन हाउस इफेक्ट बनाएंगे तो हमें सर्दी गर्मी दोनों मिलेगी, फिर तो हम फल फूल सब्जियाँ सब उगा सकते हैं। हाँ मैडम ये सही कह रहा है। शाबाश, तो अब बेटे अब आप बताएंगे कि आपने क्या पढ़ा है। मैडम वही सब जो अफजल ने बताया, और इसके अलावा एक नज़म भी याद है। अच्छी बात है, तो ज़रा आप भी वो नज़म सुना दीजिए। टकबक टकबक ताता थैया पॉली बैग को नाना भैया, टकबक टकबक ताता थैया पॉली बैग को नाना भैया। नज़म तो आपकी बहुत अच्छी है बच्चों, शाबाश। लेकिन स्कूल से बगैर इजाज़त आने की सजा तो आपको ज़रूर मिलेगी। चलिए आप लोग अभी इसी वक्त मेरे साथ चलिए, समझे? अरे अब्दुल मियां सब खैरियत है? अरे वाहिद भाई आपने सुना कि नहर पर कोई बच्चा डूब गया है? हाँ हाँ सुना तो है। मेरा बेटा नजीर स्कूल से अब तक घर नहीं लौट। मतलब मतलब ये कि
वो अफजल और अशरफ के साथ नहर पर खेलने गया था, तो वो दोनों तो लौट आए लेकिन मेरा बेटा अभी तक नहीं लौटा। अब्दुल मियां, कहीं तुम ये तो नहीं सोच रहे कि वो बच्चा? अरे नहीं नहीं भाई जान, नहीं, खुदा करे कि ऐसा ना हो, अब तक मेरा बेटा स्कूल से लौटा नहीं। बच्चा है कहीं खेल रहा होगा, लौट आएगा अब्दुल मियां, परेशान मत हो। अरे भाई अब्दुल, नजीर का कुछ पता चला? अफजल और अशरफ से पूछा? हजूर मैं उन्हीं के घर जा रहा हूँ। चलो मैं भी साथ चलता हूँ तुम्हारे, चलो चलो। अल्लाह का शुक्र है कि प्रिंसिपल साहब ने हमें बख्श दिया, वरना तो हमें बहुत बड़ी सजा होने वाली थी। भाई मैं तो बच गया, शुक्र है उस मौला का। तुम्हारी बात मानी होती तो मुझे तो स्कूल से बाहर जाना ही पड़ता। ऐसा कुछ नहीं है, इसने कह दिया तुमसे, लेकिन ये अच्छा हुआ कि हमें सिर्फ ग्रीन हाउस पॉली हाउस बनाने की सजा मिली। अरे वो देखो पॉली हाउस आ गया। अरे हाँ चलो चलो। अरे वाह क्या बात है, बेमौसम सब्जियां, बेमौसम फूल, इसमें तो कुछ भी उगा सकते हैं। आलू, बैंगन, भिंडी, तोरी, टमाटर, किसी भी प्रकार की, हरी, लाल, पीली, किसी भी तरह की। अरे यही तो फायदा है पॉली हाउस के, यहाँ पर हम बेमौसम कोई भी सब्जी उगा सकते हैं। अफजल तूने क्या सोचा है? फिलहाल तो मैं अपने पॉली हाउस में गुलाब के पौधे लगाऊंगा। तुझे पता है ना मुझे गुलाब के फूल कितने पसंद है, और चाचा नेहरू को भी कितने पसंद थे। हाँ यही तो कमाल है इस ग्रीन हाउस पॉली हाउस का। अच्छा तू ये देख रहा है ना कि चारों ओर पॉलीथीन है और ये इसी से कवर है, और उसके ऊपर देख हरा कपड़ा, के नीचे तो पाइप भी है, वो देख छोटे छोटे फुवारे, इन्हीं से इनको पानी जाता होगा। ये पॉली हाउस तो बड़े कमाल की चीज है, मैं भी अब्बू को एक ग्रीन हाउस पॉली हाउस लगाने के लिए कहूंगा। हाँ और मैं अपने पॉली हाउस में ऐसे ऐसे पौधे उगाऊंगा जिससे मुझे 12 महीने अपनी पसंदीदा सब्जियां खाने को मिले, जैसे मेरी पसंदीदा सब्जी बैंगन और मेरी पसंदीदा तोरी और मेरी पसंदीदा भिंडी और अब्बू के पसंदीदा टिंडे और अम्मी की पसंदीदा पालक। हाँ चल चलो चलते हैं। मैं तो अब्बू को इस पॉली हाउस के बारे में बताऊंगा। मैं भी बताऊंगा और दोनों कहेंगे ना लगाने को एक पॉली हाउस। हाँ यहाँ पे कितनी सारी सब्जियां हैं। अब हमने ग्रीन हाउस पॉली हाउस का देख भी लिया और समझ भी लिया, अब हम इसका मॉडल आराम से तैयार कर सकते हैं। मगर क्या बॉस, खत पर दस्तखत कैसे करेंगे? कौन से खत पर? हाँ वही खत जो प्रिंसिपल साहब ने हमें दिया था, और साथ में ये भी कहा था कि इस खत पर तुम्हारे अब्बू या अम्मी के दस्तखत होने चाहिए। अच्छा वो जिस पर लिखा था कि आपके बच्चे आइंदा गलती नहीं करेंगे? हाँ वही खत। एक बात और सुन ले मेरे भाई, वो खत पढ़ते ही ना आग बबूला हो जाएंगे, आग बबूला। अरे अशरफ अफजल तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? कुछ नहीं मोहसिन, बस ग्रीन हाउस पॉली हाउस देख रहे हैं। अरे ये तो बड़ी कमाल की चीज होती है। अच्छा तो तुम लोग अभी उसी खत के बारे में बात कर रहे थे जो प्रिंसिपल साहब ने लिखने के लिए दिया है? हाँ वही खत। ना जाने तू कैसे बच गया उस बवाल से, वरना तो तू भी बराबर का हिस्सेदार था। हाँ भाई सो तो है, लेकिन इस बाबत मैं तुम दोनों की मदद कर सकता हूँ। वो कैसे मेरे भाई बताना। हम लोग अपनी बात रहीम चाचा के आगे रखेंगे, वो समझदार हैं, कोई ना कोई रास्ता तो जरूर निकाल लेंगे।
क्या बात है मोहसिन, तेरी बात में दम है मेरे भाई। और उनसे अच्छा तो इस बात का कोई हल नहीं निकाल सकता। तो फिर उन्हीं के पास चलेंगे। हम हैं नन्हे दानिशमंद, नहीं किसी से कम।